दोस्तों आज हम सीखेंगे मूंगोड़ी की सब्जी बनाना। ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध सब्जी है। ये मूंगोड़ी की सब्जी आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप डालेंगे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून देसी घी। हाँ दोस्तों, अधिकतर सब्जियाँ तेल में बनती है, पर मूंगोड़ी की सब्जी ऐसी सब्जी है जो घी में बनाई जाती है, तो इसके लिए हम डालेंगे घी। इसके बाद घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। हाँ दोस्तों, हम इसमें डालेंगे जीरा और हींग और जीरे को 1 सेकंड के लिए पकने देंगे। देखिए दोस्तों, हमने कुकर लिया, कुकर में हमने घी डाला, घी में हमने जीरा और हींग डाल दिया है और इसको अच्छे से हिला दिया है। अब इसे हम 1 सेकंड के लिए पकने देंगे। और ये देखिए, हमारा जो जीरा है वो अच्छे से सिक गया है, ब्राउन हो गया है, मतलब सिक गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मूंगोड़ी डालेंगे। ये मूंगोड़ी घर में भी बना सकते हैं आप, और बाज़ार में भी बना बनाया पैकेट मिलता है, तो आप उसे भी ला सकते हैं। हमने ये बनाया हुआ पैकेट है, जो घर में पहले से बना के पैक किया है वो लिया है। इसमें आप थोड़ी सी मूंगोड़ी डाल देंगे। इस मूंगोड़ी को आप घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मूंगोड़ी जो होती है वो पानी डालने के बाद फूल जाती है, तो उस हिसाब से हम इसमें मूंगोड़ी डालेंगे। हमने मूंगोड़ी डाली है, घी में चेक कर लिया। अब इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए सिकने के लिए छोड़ देंगे। इसे सिकने के लिए हम जब छोड़ेंगे, जब ये सिक जाएगी तो रेड हो जाएगी। इसे हम 2 मिनट के लिए कुकर के ढक्कन से ढक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली के अच्छे से लाल हो गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, पानी डाल देंगे। मूंगफली फूल के ऊपर आती है, उस हिसाब से आप इसमें 1 गिलास पानी ज़्यादा डालेंगे। जितनी आपने मूंगोड़ी दी है उससे हम डबल क्वान्टिटी में पानी डाल देंगे। ये हमने पानी डाल दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमने जो मूंगोड़ी में पानी डाला है उसमें हमें स्वादानुसार नमक मिर्ची धनिया डालना है। तो हमारी मूंगोड़ी में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। आप 1 बड़ी चम्मच लें या छोटी 2 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, लाल मिर्च डाल सकते हैं आप, ये हमने डाला है 1.25 चम्मच लाल मिर्च, और इतना ही आप नमक डाल देंगे। ये है इजी 2 मिनट में मूंगोड़ी रेडी। ये हमने नमक मिर्च डाल दिया है। अब हम मसाले को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है और इसमें अच्छे से तरी आ गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, कुकर को बंद कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद जब हमारा कुकर बंद हो जाएगा, तो दोस्तों कुकर बंद हो गया है। अब 4 सीटी लगने के बाद आपकी मूंगोड़ी की सब्जी रेडी है। इसे खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दीजिए। थैंक यू। 4 सीटी के बाद हम कुकर खोलेंगे और देखेंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी तैयार है। ये हमारी मूंगोड़ी, देसी मूंगोड़ी, राजस्थानी मूंगोड़ी की सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे और फिर आप खिलाइए लोगों को, चपाती के साथ, पूरी के साथ, बाटी के साथ खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत सारी बधाई लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।